हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टू कैसे फाइल करेंगे अगर आपका सैलरी इनकम है प्लस आपका कैपिटल गेन इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, और वो कैपिटल गेन आपका शेयर से हो सकता है, म्यूचुअल फंड से भी हो सकता है। तो हम डिटेल में देखेंगे कैसे आपको फाइलिंग करना है, लाइव प्रोसेस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चेक करने हैं, 26S एंड AIS। कैसे चेक करने हैं डिटेल में मैंने बताया हुआ है, एक एक चीज बताई हुई है, आई बटन पे वीडियो लिंक कर दिया है, आप जाके देख लीजिएगा। अभी बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में आना है, एंड यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना जो कि 22-23। उसके बाद आपको यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आप पहले से फाइल कर रहे थे तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, उसको आपको नहीं छूना है, आपको स्टार्ट नया करना है क्योंकि कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट आता है कि आप क्या हैं, इंडिविजुअल है, HF है, अदर्स हैं, तो आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आएगा और आपको कर देना है कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे फॉर्म पूछेगा कौन सा फॉर्म फाइल करना है, हम ITR2 सेलेक्ट करेंगे एंड प्रोसीड विद ITR2 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है लेट्स गेट स्टार्टेड, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप फाइलिंग क्यों करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, मेरा टैक्सेबल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अदर बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, सारे ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो डेफिनेटली आई बटन पे वीडियो लिंक है, आप देख लीजिएगा क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि ये सारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि आपका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसलिए हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपको यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कुछ शेड्यूल्स आते हैं जो हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। जनरल में ये शेड्यूल डेफिनेटली आपको सेलेक्ट करना ही है, आप इसको बेसिकली आई थिंक अनसेलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, आप अनसेलेक्ट करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इनकम वाले शेड्यूल में हम आएंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपका सैलरी इनकम तो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो आप शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए। कैपिटल गेन डेफिनेटली आपको सेलेक्ट करना ही है क्योंकि कैपिटल गेन आपको डालना है, क्योंकि कैपिटल गेन है इसलिए तो आप ITR2 भर रहे हैं। इसके बाद आप ये वाला पोर्शन हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अदर सोर्स सबके पास रहता है, उसको सेलेक्ट रहने दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेशल इनकम है, अगर आपका कोई विनिंग हुआ है उससे स्पेशल इनकम आ रहा है तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो हटा सकते हैं, यहाँ पे हट नहीं रहा, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें शेड्यूल नहीं भरेंगे, ओके। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल इनकम कुछ है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे इनकम देख सकते हैं, फॉरेन इनकम, रिलीफ्स, ये सारे अगर कुछ हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपका सैलरी इनकम एंड कैपिटल गेन यहाँ पे आ गया है। डिडक्शंस में देखेंगे, डिडक्शन में अगर आपका 80G का डिडक्शन तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और आपको 80G का शेड्यूल भरना पड़ेगा। 80G का शेड्यूल कैसे भरना है डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप देख सकते हैं। मैं फिलहाल 80G आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ओके। इसके बाद यहाँ पे 80D है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज नहीं सेलेक्ट करेंगे। अगर 80D नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 80D बेसिकली मेडिक्लेम के लिए होता है। चैप्टर 6 के डिडक्शन में 80C से लेके 80U तक के जो डिडक्शन होते हैं हम चैप्टर 6 के डिडक्शन में लेते हैं, और वहां पे आप चाहें आपके जो भी डिडक्शन आप दिखा सकते हैं, मैं फिलहाल ये दोनों सेलेक्ट रखता हूं, ओके। फिर वापस हम टैक्सेस में आएंगे, टैक्सेस में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मुझे चाहिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स मुझे चाहिए, टैक्स पेमेंट का शेड्यूल भी मुझे चाहिए, टैक्स TDS आपका कटा है तो वो भी शेड्यूल मुझे चाहिए। TCS का बेसिकली बहुत जगह पे नहीं होता है बट आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम अदर्स में आएंगे, अदर्स में ये सारे कैरी फॉरवर्ड, ड्रॉट फॉरवर्ड, ये सारे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये सारे सेलेक्टेड रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट कर लिया हमने, अब हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे पूछता है आपको कंटिन्यू करना है, जी हाँ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये बोलेगा कि आपने 18 शेड्यूल सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है हमने सेलेक्ट किए हुए, हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये पूछता है कि आप न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फिलहाल नो करेंगे क्योंकि हमारे डिडक्शंस हैं। बट अगर आप कंफ्यूज हैं न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में कौन बेनिफिशियल है, तो उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक्सेल कैलकुलेशन के साथ, आई बटन पर लिंक कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे नो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर दूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सैलरी के कुछ एग्जम्पशंस हैं जो यहाँ पे पूछेगा, तो वो सारे एग्जम्पशंस आपके पास कोई है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम स्किप दिस क्वेश्चन करेंगे। स्किप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे शेड्यूल्स यहाँ पे आ गए हैं, अब हम शेड्यूल्स एक एक करके भरेंगे, यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद पहले हम पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल कॉन्टैक्ट, फाइलिंग स्टेटस, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे पहले चेक कर लूंगा सारी चीजें बरोबर हैं कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन किया हुआ है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट हम देख लेंगे, कॉन्टैक्ट भी बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइलिंग स्टेटस हम देख लेंगे, फाइलिंग स्टेटस में 139(1) सिलेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे बोला था हम न्यू स्कीम में नहीं जा रहे हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस में आप रेसिडेंट हैं तो आप रेसिडेंस सिलेक्ट कर लीजिए। नॉन रेसिडेंट भी IT-R2 भरते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप यहाँ पे आपको पहला वाला सिलेक्ट कर लेना अगर आप रेसिडेंट है तो। यहाँ पे सारे नो सिलेक्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अगर आप कोई डायरेक्टरशिप है, अगर यस है तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, यस करना है तो यस कर दीजिए, फिर वो डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे, अदरवाइज आप नो कर दीजिए अगर नहीं है आपके पास तो। और यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बैंक डिटेल्स भी चेक कर लेना है, बैंक डिटेल्स प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रॉपर्ली आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक कैसे ऐड करना है, अगर नहीं आ रहा है तो बैंक कैसे ऐड करना है, उसका भी डिटेल में वीडियो बनाया है, आई बटन पर लिंक कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे बैंक्स आ रहे हैं तो आपको रिफंड के लिए सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है कन्फर्म। जैसे आप कन्फर्म करेंगे आपका फर्स्ट ऐड जो फर्स्ट शेड्यूल है वो आपका भर के हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कन्फर्म करके लिख के आ जाएगा। अब जैसे जैसे शेड्यूल्स भरते जाएंगे ना, सारे शेड्यूल्स आपको कंफर्म कंफर्म लिख के आता जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। वापस हम सैलरी वाला शेड्यूल देखेंगे, सैलरी वाले शेड्यूल में हम करेंगे प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। सैलरी में जाने के बाद यहाँ पे आता है ग्रॉस सैलरी में एड अनदर का ऑप्शन आपको आ जाता है, एड पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें पूछती हैं, जैसे कि इम्प्लॉयर का नाम क्या है, इम्प्लॉयर का टैन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, उसके बाद नेचर ऑफ इम्प्लॉयमेंट पूछता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर है, पेंशनर्स है, क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछता है। वो सारी चीजें आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका आता है सैलरी कितना है। नेचर ऑफ सैलरी में पूछता है कौन सी सैलरी है, बेसिक है, डीए है, कन्वेंस अलाउंसेस है, ये सारी चीजें आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पहले बेसिक सिलेक्ट करना है, अगर बेसिक है तो बेसिक सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है। उसके बाद डीए भी मिलता है आपको तो एड अनदर पे करना है, और यहाँ पे आपको डीए सिलेक्ट कर लेना है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, आपको डीए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डीए यहाँ पे डाल देना है। तो एड अनदर पे कीजिए, जो भी चीजें हैं सारी चीजें आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेचर ऑफ परक्विजिट कोई है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे आपके फॉर्म 16 में मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उसकी बेसिस पे सिलेक्ट कर पाएंगे। नेचर ऑफ प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी आपका कुछ है, फॉर्म 16 में दिख रहा है, तो आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे 89A बेसिकली मोस्टली सबके पास नहीं होता है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे यहाँ पे। इसके बाद ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है, आपकी सैलरी जो है वो ऐड हो जाएगी। तो सैलरी का शेड्यूल बेसिकली आपको ऐसे भरना है। इसके बाद अगर हम देखें तो वापस आपको अलावेंसेस चेक कर लेने हैं अंडर सेक्शन 10, जो भी अलावेंसेस है जो आपके फॉर्म 16 में दिख रहा है, ऐड अनदर पे क्लिक करना है, अलावेंसेस सिलेक्ट कर लेना है, उसका अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपकी नेट सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपके जो डिडक्शंस होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, इसके बाद आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन होता है, प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन होता है, ये सारे डिडक्शंस आपको यहाँ पे डाल देना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये डिडक्शंस दोनों डालने पड़ते हैं। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका नेट सैलरी जो है यहाँ पे दिखने लगेगा। तो मैं बैक टू शेड्यूल कर देता हूँ। आई होप आप सैलरी वाला शेड्यूल डिटेल में समझ गए होंगे कि आपको कैसे सैलरी वाला शेड्यूल जो है वो भरना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैपिटल गेन वाला शेड्यूल जो है वो कैसे भरना है। तो सैलरी वाला शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, कैपिटल गेन वाला शेड्यूल कैसे भरना है, तो हमको क्या करना है, प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका बेसिकली जो कैपिटल गेन होता है वो एक होता है इक्विटी शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड, एंड इक्विटी शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड 11A जो है, 111A ये बेसिकली आपका आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, 112A जो है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आता है। तो ये दोनों सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डालने का डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको आ जाएंगी, और आपको बेसिकली शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लोड ले रहा है अभी, तो एक बार लोड ले लेने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल्स आ गए हैं, अभी आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एड डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, एड डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आता है बेसिकली, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 111A। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि फुल वैल्यू आप कंसीडर, मतलब सेल वैल्यू कितना है, कॉस्ट वैल्यू कितना है, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछता है। और ये सारी डिटेल्स आपको AIS से भी मिल जाएंगे,
एंड आपका जो कैपिटल गेन का स्टेटमेंट रहता है ना, जो आपका म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर देता है या फिर आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो प्रोवाइडर जो है वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, तो वहां से आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकालेंगे तो वहां पे आपको सेल वैल्यू मिल जाता है, कॉस्ट वैल्यू मिल जाता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, सेल डाल देना है, कॉस्ट डाल देना है विदाउट इंडेक्सेशन, इसलिए क्योंकि कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म पे आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। ओके, सारी चीज आपको यहाँ पे डाल देनी है और एड पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म कैसे फिल करना आपको यहाँ पे बता दिया मैंने, मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कैसे फिल करना है। अभी हम लॉन्ग टर्म देख लेंगे, लॉन्ग टर्म आपको कैसे फिल करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली आपको वापस इस पे क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे एड डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, एड डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आ जाता है कि आपको अमाउंट जो है वो यहाँ पे डालने हैं। यहाँ पे अमाउंट नहीं आ रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे अमाउंट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बेसिकली आपको व्यू शेड्यूल 112A ये आपको भरना है, तो इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। बट अगर शेयर्स में आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे शेयर्स होते हैं, पूरी लिस्ट होती है, तो आपको क्या करना है, आपको CSV टेम्पलेट डाउनलोड करना है। CSV टेम्पलेट में आपको शेयर्स के डिटेल्स भरने हैं, भरने के बाद आपको CSV बेसिकली टेम्पलेट जनरेट करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपके स्मॉल हैं, 4-5 नंबर्स हैं, तो ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले ये पूछता है कि आपने एक्वायर कभी किया था। अगर आप कहते हैं कि 31 जनवरी 2018 के पहले एक्वायर किया था, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछता है, जैसे ISIN कोड पूछता है, फिर नेम ऑफ शेयर्स, यूनिट्स, ये सारी चीज़ें आपको पूछते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं, हमने 31 जनवरी 2018 के बाद भरा है, तो सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल कंसिडरेशन पूछा जाता है, एंड कोई एक्सपेंडिचर है तो वहाँ पे पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको डालनी है और ऐड पे क्लिक कर देना है। और फिलहाल हम कैंसिल करते हैं। आई होप आपको 112A बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे भरना आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर बहुत सारी डिटेल्स हैं तो आपको CSV टेम्पलेट डेफिनेट डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। वापस हम शेड्यूल में आ जाते हैं। कैपिटल गेन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो 112A है ये ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाता है जब आप कैपिटल गेन का शेड्यूल भरते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको पता होगा तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट होता है, FD इंटरेस्ट होता है, तो वो सारे इनकम्स आपको अदर सोर्स में दिखाने पड़ते हैं। तो अदर सोर्स में आपको डेफिनेटली वो सारे इनकम दिखाने हैं। कैसे दिखाने हैं, मैं यहाँ पे देख लेते हैं। इनकम ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट में बेसिकली आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट आ जाता है, FD इंटरेस्ट आ जाता है, तो ये सारे जो इंटरेस्ट होते हैं ये आपके नॉर्मल रेट पे चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, इस पर हमको क्लिक करने के बाद ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे पूछता है कौन सा नेचर ऑफ इनकम है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, रेंटल इनकम है, मशीनरी प्लांट से, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपका इनकम है। उसके बाद आपको अमाउंट डालने हैं और ऐड पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल आपको अदर सोर्स का जो है वो आपको ऐसे शेड्यूल भरना है। इसके बाद स्पेशल रेट वाले जो शेड्यूल्स हैं, विनिंग्स आपके होते हैं, तो आप स्पेशल रेट में उसको डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई एक्सपेंसेस ऐसा है जो डिडक्ट होना चाहिए आपके अदर सोर्स के इनकम से, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो आपका डिडक्शन में आपको मिल जाता है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देखेंगे तो 10th नंबर जो है इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल रिसिप्ट ऑफ फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये बेसिकली आपको डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डर क्या आएगा और कैसे आपको फील करना है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप जो विन करते हैं, डिविडेंड इनकम है, वो सारे आपको दिखाने हैं कि आपने कौन से क्वार्टर में अर्न किए हैं। क्वार्टर वाइज आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है, क्वार्टर वाइज नहीं दिखाएंगे तो वो नहीं चलेगा। तो आपको क्वार्टर वाइज यहाँ पे बाइफर्केशन आपको देना है। अगर आप बाइफर्केशन नहीं देंगे तो आपको डेफिनेटली एरर आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वापस बैक टू शेड्यूल जाते हैं। अदर सोर्स हमने देख लिया, कैरी, ये जो CYLA है ये बेसिकली खुद से आ जाता है, BFLA ये भी खुद से आ जाता है, CFL ये भी ऑटोमेटिक आता है, स्पेशल इनकम हमने डिस्कस कर लिया। सेक्शन 80D डेफिनेटली आपको ध्यान देना चाहिए, सेक्शन 80D से रिलेटेड डेफिनेटली एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। वीडियो आई बटन पे लिंक है, आप डेफिनेटली देख सकते हैं, 80D आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। चैप्टर 6 से डिडक्शन में 80C से लेके 80U तक के जो भी आपके डिडक्शन हैं वो सारे डिडक्शन आप चैप्टर 6 में दिखा सकते हैं। अभी वापस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ खास नहीं है जो हमारे काम का नहीं है, AMTC ये भी हमारे काम का नहीं है। अभी आता है पार्ट बी, टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, टैक्सेस पेड आ गया है, तो अभी टैक्सेस पेड में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ये देखना है कि हमारा TDS प्रॉपरली आया है कि नहीं, हमारा अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एडवांस टैक्स भरा है तो प्रॉपरली आया है कि नहीं, सैलरी से जो TDS कटा है वो प्रॉपरली आया है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है।
सैलरीज जो टीडीएस कटा रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है तो एड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है टैन इम्प्लॉयर का, टैन इम्प्लॉयर का नाम, सैलरी कितनी है, टैक्स कितना डिडक्ट किया है और ऐड पे क्लिक कर देना है, अमाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, वापस से आपका सैलरी के अलावा जो भी टीडीएस कटा रहेगा ना एफडी से रिलेटेड कटा रहेगा तो आपका यहाँ पे दिखेगा, सेकंड वाले में दिखेगा, सेकंड वाले में जो दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा। अगर कुछ इनकरेक्ट दिख रहा है तो आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा टीडीएस है जो शो ही नहीं कर रहा है तो आपको ऐड अनदर पे क्लिक करना है और आप अपना टीडीएस जो है वो शो करा सकते हैं। टैक्स रिलेटेड ऐड सोर्स, आप ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मोस्टली नहीं आता है। टैक्स कलेक्टेड ऐड सोर्स, ये भी मेजर टाइम पे नहीं आता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके केस में है भी तो ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके आप डिटेल्स डाल सकते हैं। एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो अगर आपका नहीं दिख रहा है तो वो भी ऐड डिटेल्स करके आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड डिटेल्स करेंगे, ऐड डिटेल्स करने के बाद आपके पास चालान होना चाहिए, उसका बीएसआर कोड डालना है, डेट डालना है, चालान सीरियल नंबर डालना है और अमाउंट डालना है, आपका अमाउंट जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको टैक्स वाला पोर्शन भी प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। ये टैक्स वाला पोर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। वापस हम शेड्यूल पे आ गए हैं, ये सारे शेड्यूल्स हमने देख लिए हैं। वापस आपका पार्ट बी में टोटल इनकम का कंप्यूटेशन होता है तो आपको चेक कर लेना है प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है और अपना आईटीआर जो है वेरीफाई कर लेना है। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए। आपको इन सारे शेड्यूल में से किसी भी शेड्यूल में, स्पेसिफिक शेड्यूल में डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछिए, उस स्पेसिफिक शेड्यूल पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि वो शेड्यूल आपको कैसे भरना है। आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे शेड्यूल्स मिल जाएंगे, जैसे ATD बताया मैंने, अदर सोर्स में PF का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो गया है तो उस पे जो आपका इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल हो गया है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे शो करनी है, एक्सेल में कैलकुलेशन करके कैसे शो किया जाता है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, आई बटन पे लिंक कर दी है। तो बहुत सारे शेड्यूल्स है जो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे वीडियोस, जो वीडियोस नहीं है वो वीडियोस मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप एंड बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।